वर्ल्ड कप 2019 का पहला मैच इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया था और इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 104 रनों से एक बड़ी शानदार जीत दर्ज की। और आज की इस वीडियो में हम इस मुकाबले का एक बार फिर से पूरा शॉट में रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। तो दोस्तों इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इंग्लैंड की तरफ से दो सलामी ओपनर बल्लेबाज जेसन रॉय और जोनी बेस्टो बल्लेबाजी करने के लिए आए। जोनी बेस्टो इस मैच में कुछ खास नहीं कर पाए। पहली ही गेंद पर इमरान ताहिर की बॉल पर वह आउट हो गए। इसके अलावा जेसन रॉय, जो रूट, कप्तान इयान मॉर्गन और साथ ही साथ बेन स्टोक्स ने एक बड़े ही शानदार तरीके से 50-50 रनों की पारी खेली। बेन स्टोक्स ने इस मुकाबले में सबसे ज्यादा रन बनाए, जो कि इन्होंने 79 गेंदों में 89 रनों की एक शानदार पारी खेली। दोस्तों इसके साथ ही इंग्लैंड की टीम ने 312 रनों का टारगेट साउथ अफ्रीका के लिए खड़ा किया। साउथ अफ्रीका के लिए दो ओपनर बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आए, जो कि थे क्विंटन डिकॉक और हाशिम आमला। हाशिम आमला बीच में ही बल्लेबाजी छोड़ रिटायर्ड हर्ट हो गए थे एक बाउंसर से बीट होने के बाद। क्विंटन डिकॉक ने ही साउथ अफ्रीका की तरफ से इस मैच में सबसे ज्यादा रन बनाए। इन्होंने 74 गेंदों में 68 रनों की शानदार पारी खेली। इसके अलावा इस मैच में वेंडर दसन ने भी 50 रन बनाए, परंतु बाकी किसी भी बल्लेबाज ने बल्लेबाजी में कुछ ज्यादा अच्छी दमखम नहीं दिखाया। और इसी के साथ साउथ अफ्रीका की टीम मात्र 39.5 ओवरों में 207 रनों पर सिमट गई और इंग्लैंड की टीम ने इस मुकाबले को 104 रनों से जीत लिया। दोस्तों आपके हिसाब से क्या साउथ अफ्रीका की टीम अभी भी क्वालिफाई कर सकती है? तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा।